22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं ये भव्य दिव्य मंदिर में, जो दिव्य मंदिर की कल्पना हमारे भारतवर्ष के सभी के कई पुश्तों ने ये कल्पना की थी कि यहाँ पर एक मंदिर जो था भव्य दिव्य वो मंदिर बनकर तैयार हो, और वो आज 2023 की 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही भावुक क्षण है हम सब के लिए, क्योंकि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता इसका, क्योंकि इसलिए मैं यहीं पर ही हूँ 4 दिन। मैंने कहा कि यहाँ पर, और मैं सद्भागी हूँ, मेरे पूर्वजों का पुण्य कि मैं अपनी आँखों से वो प्राण प्रतिष्ठा का जो भी यज्ञ है वो देख पाऊँगा, और अपनी स्मृति में अपनी आँखों में वो तेज समाकर लेकर जाऊँगा। मैं ऐसा एक अद्भुत अद्वितीय और ईश्वरीय क्षण है ये। ये केवल ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन उससे भी बियॉन्ड है, और इसलिए इसका शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन सदेह रूप से यहाँ उपस्थित हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो राम रक्षा के पहले प्रथम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि परविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। प्रभु रामचंद्र का, प्रभु श्री राम का चरित्र ऐसा है कि एक एक अक्षर ये शतकोटि परविस्तरम, कोटि यानी प्रकार भी होता है, और शतकोटि मतलब करोड़ों शब्दों से भी ऊपर है, वो शब्दातीत है। तो और महापातक का नाश करता है। प्रभु राम के बारे में जितना बोले उतना कम है, सद्गुण, सदाचार और पवित्रता, ये इसका सामुच्चायिक एक मंत्र है राम, और इसलिए प्रभु श्री राम ये भारत के राष्ट्र पुरुष हैं। भारतीय भावना की भगीरथी है श्री राम, और प्रभु राम सबको जोड़ते हैं और जोड़ा है सबको। वो जो राम सेतु बनाया है वो सबको जोड़ के बनाया है। मेरे राम केवट के भी हैं, मेरे राम शबरी के भी हैं, मेरे राम निषाद राज के भी हैं, मेरे राम सबके हैं। वो भाषा भूषा प्रांत जातिवाद किसी में भेद नहीं रखते, और इसीलिए हमारे विष्णु के जो अवतार हैं वो अजन्मा हैं, तो मनुष्य का अवतार धारण किया उन्होंने। तो मेरे राम मैं जितना बोलूं उतना कम है, हम सबको सुनते भी हैं। रामचरितमानस घर घर में पहुंचाया है तुलसीदास जी ने, और वाल्मीकि रामायण जी ने ये चरित्र जो है वो मानव ने कैसा जीना चाहिए, इसलिए राम आदर्श है। भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकसन ये प्रभु रामचंद्र के आदर्श से ही हुआ है।